आप कुछ लोगों की रिक्वेस्ट के साथ मैंने बीएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया है। आगे और लेक्चर्स आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एल्काइल हैलाइड्स क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। मे बी आपके हायर क्लासेस में हो, मतलब एमएससी केमिस्ट्री में हो, तो वो भी ये टॉपिक वहाँ पर सूटेबल है, आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। जब एल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है हैलोजन एटम से तो एक कंपाउंड बनता है, उसको हम एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। मतलब एल्केन प्लस हैलोजन फॉर्म द कंपाउंड नेम्ड एज अल्काइल हैलाइड। इट हैज़ फर्दर क्लासेस। अल्काइल हैलाइड की क्लासेस होती हैं, डिपेंड करता है कि जो CH2 है, मतलब जो एक अल्केन है उसके साथ कितने कार्बन लगे हैं। अब CH2 के साथ यहाँ पर एक अल्केन लगा है तो ये प्राइमरी है। अब सेकेंडरी में आप देख सकते हैं जो CH अल्केन है उसके साथ दो लगे हुए हैं तो ये सेकेंडरी हो गया। टर्शरी में क्या हुआ है, यहाँ पर दो अल्केन लगे हैं एंड दो हैलाइड्स लगे हैं तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। अब एग्जांपल देख लेते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन के साथ एक तो अल्केन लगा है लेकिन एक अल्केन के साथ एक और कार्बन कंपाउंड लगा है तो ये प्राइमरी है। सेकेंडरी में क्या है, CHCl के साथ दो अल्केन लगे हुए हैं तो सेकेंडरी है। तो यहाँ पर कार्बन के साथ CH3 एंड ClCl लगा है तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। मतलब जो अंदर वाला कार्बन है उसके साथ कितने कार्बन बॉन्डेड हैलोजन्स लगे हैं। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चाहें जो बॉन्ड होता है कार्बन एंड हैलोजन में वो होता है पोलर, बिकॉज एक पॉजिटिव पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आता है। हैलोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन के कंपैरिजन, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है पॉजिटिव सेंटर पर। पॉजिटिव सेंटर मतलब कार्बन के ऊपर खुद वो जुड़ जाता है अल्काइल के साथ एंड हैलोजन को वहाँ से रिमूव कर देता है। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल अब देख लेते हैं हम। यहाँ पर अल्काइल प्लस हैलोजन है जो एज ए रिएक्टेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है जो OH है जो रिएक्ट करेगा पॉजिटिव सेंटर मतलब अल्काइल के साथ एंड हैलोजन यहाँ से हट जाएंगे एंड अल्कोहल एंड सिमिलरली हमें ईथर मिल जाते हैं। तो इसमें फर्दर आ जाती है S1 SN1 एंड SN2 रिएक्शन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।